गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 10, स्वर्ग में हड़ताल। इस चैप्टर के अंदर स्वर्ग में होने वाली हड़ताल के बारे में बताया गया है कि स्वर्ग के जो देवी देवता थे उन्हें मनुष्यों के द्वारा किए गए बुरे काम से परेशानी हुई, उनसे उन्हें शिकायत थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपने काम छोड़ दिए और वो हड़ताल पर चले गए। गणेश जी को किसी दूसरे काम से समस्या थी, तो कृष्ण भगवान को किसी और से। तो मनुष्यों के द्वारा किए गए कामों से देवताओं को समस्याएं हुई, जिससे कि वो हड़ताल पर चले गए। उसी के विषय में इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 10, स्वर्ग में हड़ताल। नारद: नारायण नारायण, अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी, कोई आवाज नहीं, कहीं कोई नज़र ही नहीं आता। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नज़र आ रहे हैं और न नंदी, और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं हैं। चक्कर क्या है, कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया। चक्का जाम यानी कि जाम लग जाता है ना, जब बहुत सारे वाहन एक साथ खड़े हो जाते हैं व्हीकल, तो उसे जाम कहते हैं, चक्का जाम। तो जब नारद जी स्वर्ग में गए तो उन्हें लगा कि आज तो यहाँ बहुत शांति है, सब कहाँ चले गए, सारे देवता कहाँ चले गए। उन्हें कोई नज़र ही नहीं आया, ना तो सिंहासन पर बैठे इंद्र नज़र आए, ना गणेश जी बैठे नज़र आए, ना ही नंदी, भगवान शंकर का जो वाहन है नंदी, ना ही वो उन्हें नज़र आए, और ना ब्रह्मा जी अपने कमल पर। तो उन्हें जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने उनके सामने तख्ती रखी थी जिस पर लिखा है, आज स्वर्ग में हड़ताल है। नारद चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल, यही कारण है, चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। जब नारद जी थोड़ी और आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे हुए हैं और उनके पास एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, तख्ती, जिस पर लिखा हुआ है हड़ताल। तब वो जो नारद जी थे समझ गए कि आज स्वर्ग में हड़ताल है, इसीलिए वहाँ पर शांति और सन्नाटा छाया हुआ है। नारद जी: जय हो विघ्न विनाशक विनायक की, पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर इशारा करके, हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। जब नारद जी गणेश जी के पास गए तो उन्होंने कहा, जय हो विघ्न विनाशक विनायक की, यानी कि विघ्न विनाशक, जो भी संकट आता है उसका विनाश करने वाले विनायक की जय हो। उन्होंने तख्ती की तरफ इशारा करके कहा कि हड़ताल, प्रभु ये किस कारण और इसका निवारण भी कुछ तो होगा, वो बताइए। गणेश जी: देखी नहीं है तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। गणेश जी ने क्या कहा कि ये तख्ती नहीं देखी तुमने, किस पर क्या लिखा हुआ है, हड़ताल, और मैं हड़ताल पर हूँ। नारद: प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। नारद जी ने गणेश जी को मनाने के लिए क्या कहा कि प्रभु हड़ताल तो होती रहेगी, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वो तो खा लीजिए, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं। गणेश जी: हड़ताल यानी हड़ताल, यानी कि गणेश जी अपने निर्णय पर अड़िग थे, उन्होंने कहा हड़ताल यानी हड़ताल, वो बहुत गुस्से में थे। नारद: पर प्रभु इस हड़ताल का कुछ कारण भी तो होगा। अब नारद को पता तो लग गया कि स्वर्ग में हड़ताल है, लेकिन हड़ताल का कारण क्या है वो गणेश जी से पूछ रहे हैं। गणेश जी: सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है, यानी कि सबके अपने अपने कारण हैं और मेरा अपना एक अलग कारण है। नारद चौंक कर: सब देवताओं के, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? तो नारद जी बोले कि अच्छा, सब देवताओं के अलग अलग कारण हैं, लेकिन आपका क्या है वो मुझे बताइए। गणेश जी: पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, लंबोदर यानी कि जिसका उदर लंबा है, जिसका पेट बड़ा है। तो जब हम लोग पृथ्वीवासी, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो गणेश जी को लंबोदर से के नाम से भी बोलते हैं, उन्हें जानते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, लंबा है, इस पर मुझे आपत्ति है। तो गणेश जी का कारण था कि जब पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है। नारद जी: पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही, हैं। तो नारद जी मजाक करते हुए गणेश जी से क्या बोलते हैं कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है प्रभु, आपका पेट सच में कुछ बड़ा तो है ही। गणेश जी क्रोध से: कभी देखा है पृथ्वीवासियों को, वे स्वयं लालची तथा बेईमान हैं,
उनकी लूटने खसोटने छीनने बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं, मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। गणेश जी ने क्या कहा कि वो पृथ्वीवासी जमीन पर धरती पर रहने वाले लोग मुझे लंबोदर कहते हैं, जबकि उनकी खुद की लूटने की लालचीपने की कोई हद नहीं है। वो खुद इतने लालची हैं कि कभी उनका पेट नहीं भरता, इसलिए लंबे उदर वाले तो वो स्वयं हैं, मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। नारद: नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सबके तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। अब नारद जी ने समझा कि सारे देवता नाम की वजह से ही हड़ताल पर गए हैं, लेकिन आगे जब नारद जी गणेश जी से पूछने के बाद इंद्र के पास गए तो इंद्र ने क्या जवाब दिया? गणेश जी यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। नारद: दुहाई ओ महाराज, आज काम काज ठप क्यों हो गया? नारद ने इंद्र से जाकर पूछा कि आज आपका काम क्यों नहीं कर रहे हो आप अपना काम? इंद्र: आज हम सब हड़ताल पर है, मालूम है ना? तो इंद्र ने क्या कहा कि आपको नारद जी पता नहीं है कि आज हम सब हड़ताल पर हैं? नारद: पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनाने लगते हैं, लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की फुहार होने लगी हो, आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। अब नारद यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह से गणेश जी अपने नाम से हड़ताल पर गए हैं तो इंद्र भी अपने नाम की वजह से हड़ताल पर गए हैं, इसलिए वो इंद्र से ऐसा कह रहे हैं कि भाई आपका नाम तो बहुत अच्छा है फिर भी आप हड़ताल पर हो, आपका नाम सुनते तो लगता है कि जैसे वीणा के तार बजने लगते हैं। तो इंद्र क्या कहते हैं, तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। तो इंद्र का कुछ दूसरा कारण था हड़ताल पर जाने का, कि जो ये वर्षा है जो पृथ्वी पर इंद्र भगवान बारिश कराते हैं वही उनके हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद: वर्षा? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है, इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं? तो नारद जी पूछते हैं कि आप वर्षा के कारण किस तरह से हड़ताल पर गए हो? इंद्र: हाँ इसी के कारण, पृथ्वी पर मनुष्य को अनाचार कर रहा है, उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है, प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं, और दुख की बात तो यह है कि अब जो बारिश मैं करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? यानी कि इंद्र के परेशान होने का हड़ताल पर जाने का ये कारण है कि जो इंद्र भगवान वर्षा करते हैं वो वर्षा अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं पृथ्वीवासी हैं वो इस पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जिससे कि हमारी जो ओजोन परत है उसमें जो वातावरण है उसमें छेद हो गया और वहाँ पर भी वातावरण प्रदूषित हो गया, जिससे कि जो इंद्र भगवान वर्षा करते हैं वो भी अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। नारद: अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है, दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ, आज स्वर्गलोक सचमुच में ही सूना है, इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ती, क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर हैं? पता लगाता हूँ। फिर नारद जी इंद्र के पास होकर कहाँ जाते हैं? कृष्ण भगवान के आगे। तो वो कृष्ण भगवान से क्या पूछते हैं ये हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।